Hey everyone, welcome to Meri Padhai, and today we are going to continue with the second chapter that talks about the forest and wildlife resources. So before I start the lesson, I would request you to kindly subscribe and click on the bell icon so as to be updated with every next video lecture that is uploaded. So here comes your chapter. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने खुल चुका है आपकी बुक. और वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अर्थ पे वी आर नॉट द ओनली लिविंग बीइंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम यहाँ पर देखते हैं, और बड़ी से बड़ी ब्लू व्हेल जैसी स्पीसीज भी देखते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है. जो फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर हमें कई तरह से इसके ऊपर हम डिपेंडेंट भी हैं और वो हम पर डिपेंडेंट भी हैं, राइट. सो ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, वो इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. इंडिया इज कॉल्ड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी हैविंग दिस मच ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दिस मच ऑफ स्पीसीज. अगर हम बात करें, बहुत सारी स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, वो आपकी प्लांट की वेराइटी हो, वो आपके एनिमल में वेराइटी हो, जिसे हम फ्लोरा एंड फोना के नाम से भी जानते हैं. अगर हम फ्लोरा एंड फोना की बात करें, तो फ्लोरा दैट टॉक्स अबाउट प्लांट्स एंड फोना दैट टॉक्स अबाउट एनिमल, राइट. सो हमारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना बहुत रिच है, और यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के, क्योंकि रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हमें माउंटेन भी मिलते हैं, प्लेट्यूज भी मिलते हैं हमें, और हमें प्लेन्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग फीचर्स में अलग अलग तरह की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिल जाती है. उसके अलावा अगर हम बात करें, तो इतना सारी चीजें हमारे पास क्योंकि हो गई हैं, इस वजह से हम कहीं ना कहीं बहुत इग्नोरेंट हो गए हैं. और इस इग्नोरेंस की वजह से, इनसेंसिटिविटी की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को, दोनों को ही बहुत ज्यादा नुकसान हम करते हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने. जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में हमारे यहाँ 10% जो इंडिया की फ्लोरा है वो, और 20% जो हमारे इंडिया में मैमल्स हैं, वो थ्रेटन्ड लिस्ट में आ गए हैं. यानी कि अब वो कहीं ना कहीं उनपे खतरा मंडरा रहा है कि वो या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में चले जाएं, और या फिर वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं. तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हम तो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, पर जो हमारी अदर स्पीसीज हैं उनको खत्म कर रहे हैं. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा, सबसे पहले तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, दूसरा अगर हमारे प्लांट की जो वैरायटीज हैं, अगर हम मान लीजिए प्लांट कट करते हैं, तो हमारे पास जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो उनके यूजेज होते हैं, उससे रिलेटेड हमारी बहुत ज्यादा स्कार्सिटी आ सकती है. इसके अलावा हम अपनी सॉइल को, हम अपने एनवायरमेंट को, वो हमारा एयर हो, हमारी सॉइल हो, हमारा वाटर हो, इन सबको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, राइट. अब अगर आप सोचें, एक प्लांट का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हमारे एक प्लांट हमें फूड देता है, हमारी सॉइल को कंटेन करके रखता है, उसको बांध के रखता है, उसके अलावा हमारे वाटर को प्यूरिफाई करके रखता है, उसके अलावा वो हमारी ऑक्सीजन, जो कार्बन है, कार्बन सिंक की तरह काम करता है, ग्रीन कार्बन की तरह काम करता है, ग्रीन कार्बन सिंक. तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं. अब एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स एक बैलेंस क्रिएट करते हैं. बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एलियन स्पीसीज आ गई, जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं. पॉलिनेटर्स क्या करते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो हो पाते हैं. अगर हमारे जो फ्लावर्स है वो पॉलिनेट, अच्छा पॉलिनेशन का अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो ये आपके लिए होमवर्क है आज, क्योंकि ये आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है. आप अगर इसको जानना चाहें, तो आप इसको गूगल करें, और इस पॉलिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो आपके स्पीसीज है, जैसे कि आपके बीज हो गए, आपके कुछ बर्ड्स भी होते हैं, तो उनके बारे में जानें और उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है. आप तो आपके पास गूगल भी है और एवरीथिंग यू हैव, तो इस तरह से आप उन सब चीजों को सर्च करते रहा करिए, ओके. तो रिसर्च तो हमारे यहाँ बंद पड़ी ही है, अब इसे सर्चिंग को तो आप आगे बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है. तो सर्च करिए, इसको जानिए, और इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और कौन कौन से पॉलिनेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि ये क्यों जरूरी है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों जरूरी है. और हमारे फॉरेस्ट, देखिए वैनिशिंग फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वैनिश होते जा रहे हैं, यानी कि खत्म होते जा रहे हैं. क्यों खत्म होते जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है कि डेवलपमेंटल जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, हमें कहीं से मेट्रो निकालनी है. जैसे अभी रिसेंट का एक केस है आरए फॉरेस्ट का. आरए फॉरेस्ट को ऑलमोस्ट मोर देन 2500 जो हमारे ट्रीज थे वो कट कर दिए गए. लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, पर लोगों की बात सुनी नहीं गई.
अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने लेवल पे कम से कम इंडिविजुअल लेवल पे प्लांट्स को ग्रो करें जिससे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो। अब हमारे यहाँ हमारे कंट्रीज में बहुत सारी जगह में ग्रीन के नाम पर बेल्ट रह गई है, राइट। ग्रीन कवर देखने को तो मिला है, वो क्यों मिला है, क्योंकि वो कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से बढ़ा हुआ है। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री सेट करते हैं, उसके पास में ही जो आपकी होती है CSR होती है, उसकी वजह से वहां पे वो आसपास जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, जब हम काउंट करते हैं, सैटेलाइट इमेज देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ ग्रीन कवर बढ़ गया है, पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। एक्चुअली जो एक नेचुरल लेवल पे, जो जिसको हम ह्यूमन जिसमें इंटरेक्ट ना करे, जिसमें ह्यूमन इंटरवीन ना करे, ऐसे फॉरेस्ट कवर हमें अभी भी हम देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक प्लांट को यहां से उठा करके दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्लांट की जड़ें जहां पर हैं वहां पर उसको दिक्कत होती है उस जगह से वहां तक जाने में, क्योंकि कई सारी जो आपकी रूट होती है वो तो आप वहीं पर छोड़ देते हैं ना, वो उसके मिनरल्स हो गए, उसकी आप रूट को, तो वो सारी की सारी चीजें वहीं पर छूट जाती है। तो ज्यादातर ऐसा देखा गया कि ऑलमोस्ट 50% जो आपके प्लांट्स इस तरीके से किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं। अच्छा, इस टेक्निक का क्या नाम है, शिफ्टिंग ऑफ प्लांटेशन फ्रॉम वन ट्रीज, स्पेशली नॉट प्लांट, दैट इज ट्रीज। अगर आप किसी ट्री को शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे क्या कहते हैं। ये सारी चीजें देखिए, आपको बुक पढ़नी है और बुक से रिलेटेड जो जो चीजें अच्छी अच्छी उनके बारे में लिख लेना है, पॉइंट वाइज इतनी सारी जगह छोड़ी होती है आपकी बुक में, ये सारी जगह, इन सबका यूज करिए, यहाँ पर लिखिए, क्वेरी आपके अंदर क्यूरियस होने चाहिए आप, ओके। तो ये वैनिशिंग फॉरेस्ट में देखिए, इसमें डेटा भी दिया हुआ है कि किस तरह से हमारे फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं, ओके, डेंस फॉरेस्ट किस तरह से डिक्लाइन हो रहे हैं, सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए IUCN क्या होता है, IUCN के बारे में चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे जो स्पीसीज है उनको किस तरीके से हम लोगों ने क्लासीफाई करके रखा है, IUCN ने क्लासीफाई करके रखा है। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इन्होंने यूनियन बना के रखा है नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। अब ये जो यूनियन है ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर कम्युनिटीज भी पार्टिसिपेट करती है, यानी कि यहाँ पे सिविल सोसाइटीज भी वर्क करती है, ठीक है। ये चीज आप छोटा सा नोट कर सकते हैं कहीं पर। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल स्पीसीज से आप समझ सकते हैं कि जो जिनकी पॉपुलेशन एक तरह से नॉर्मल मानी जाती हो, कि सर्वाइवल इनका हो रहा है, जैसे कि हमारी कैटल हो गई, सेल पाइन, ये सारी चीजें हमें, ये सारी जो स्पीसीज हैं वो नॉर्मल की कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, राइट, इनका एक्सटिंक्ट होने का चांस ज्यादा रहता है अगर इनकी डिफिकल्ट कंडीशन, जो कंडीशंस हैं इनकी, अगर बदलती नहीं है, नेगेटिव फैक्टर्स इनके लिए बढ़ते जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी हमारी जो स्पीसी होती है उसके खत्म होने का होता है हैबिटेट लॉस, यानी कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, अगर आपने उसको क्लीन कर दिया तो वहां पर जितनी भी स्पीसीज हैं, आपके आउल होते हैं, छोटी छोटी चीजों को तो हम देख ही नहीं पाते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारी बर्ड्स होती हैं, दैट वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट वेयर ऑल दैट हैज गॉन, हमें तो पता भी नहीं होगा कि कितनी सारी स्पीसीज थी और कितनी सारी स्पीसीज नहीं रही, ओके। और वही सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि लोकस्ट की अगर बात करें, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, लोकस्ट की अगर हम बात करें तो लोकस्ट अटैक हुआ, राइट। अब लोकस्ट अटैक इतना ज्यादा बड़े लेवल पे क्यों होता है, क्योंकि उनको खत्म करने के लिए, उनके बैलेंस बनाने के लिए हमारी जो स्पीसीज है वो नहीं रही, वो खत्म हो गई या फिर वो कम हो गई, जिनकी वजह से अब हमारा बैलेंस बिगड़ चुका है। सो दैट वे हमें इंडेंजर्ड स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज होती हैं जो डेंजर इन, जो जिनका जिनके ऊपर डेंजर होता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी कंट्री से या पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई। इसके बाद आपकी बात होती है वल्नरेबल। अगर वल्नरेबल की बात करें तो वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनका, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि ये इंडेंजर्ड में जा सकती हैं, ठीक है, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और उनकी अगर जो नेगेटिव फैक्टर ऑफकोर्स हैबिटेट लॉस हो गया आपका, पोचिंग हो गया, हंटिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ ट्रेड में ट्रेडिंग हो गया, ये सारी चीजें कुछ हैं जिनकी वजह से हमारे जो स्पीसीज हैं उनका वो एक्सटिंक्ट हो रही है, कम हो रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है।
इसमें आप एग्जांपल में ले सकते हैं एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सारी चीजों को आप एक बार गूगल सर्च करके इनकी पिक्चर्स देख लीजिए। इफ यू वांट, अगर आपके पास, अगर आप चाहें तो या तो आप उसका प्रिंट निकलवा के लगा सकते हैं अपनी बुक में। अदरवाइज व्हाट यू कुड डू दैट यू कुड टेक दैट पिक एंड इन योर पीडीएफ यू कुड ऐड दैट। ओके, देयर इज अ फीचर इन योर पीडीएफ इफ यू आर यूजिंग इन दैट मोबाइल, सो मैगटैप इज एन एप्लीकेशन, सो इन दैट यू कैन डू दैट। ओके, सो वल्नरेबल स्पीसीज, अंडरस्टूड राइट, दोज स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो रही है कि वो अब एंडेंजर्ड में जा सकती है, और एंडेंजर्ड के बाद फिर वो ऑफकोर्स किस में जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी राइट। अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज बहुत छोटी पॉपुलेशन होती है और वो ज्यादातर एक पर्टिकुलर एरिया में भी दिखती है, मतलब बहुत छोटी डॉग पॉपुलेशन होती है। इनकी छोटी पॉपुलेशन की वजह से इनके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि अगर बाई चांस वहां पर कोई डिजीज हो गई राइट, और कोई डिजीज हो गई या फिर बाई चांस आपका कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई, कोई मैन मेड कैलमिटी आ गई, जैसे कि आपका अभी डिब्रू सुखोया वाला केस हो गया था, तो ऐसे में क्या होता है आपको बहुत कितने सारे आपके कारकेसेस मिले थे वहां पर, बहुत दिक्कत हुई थी। तो ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो कितनी स्मॉल पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो रेयर स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं या वो एंडेंजर्ड हो सकती हैं और वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती है, जैसे कि आपका हो गया वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो आइसोलेट है। और क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर या तो ज्योग्राफिकल बैरियर है या फिर कुछ और भी बैरियर हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, ये सारी चीजों को फिर से मैं आपको नोटिफाई करा दूं कि आपको इनकी पिक जरूर देखनी है। अगर आप पिक इनकी देख लोगे, इनकी इमेज देख लोगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसी। एक्सटिंक्ट जैसे कि मैं बात करती थी विलुप्त हो जाना, ठीक है, विलुप्त हो गए, तो ये वो स्पीसीज होती हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी लोकल एरिया से, किसी कंट्री से या फिर पूरे वर्ल्ड से ही एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसे कि हमारे इंडिया से पिंक हेडेड डक ऐसा माना जा रहा है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, और एशियाटिक चीता वो तो 1952 में ही वो खत्म हो गया था। यहाँ पे बताया भी गया, देखिए बताया गया है कि एशियाटिक चीता कब खत्म हुआ, तो एशियाटिक चीता हमारा 1952 में ही हमारा चला गया था, ठीक है। और यहाँ पर हैबिटेट की प्रॉब्लम थी और भी कई सारे इश्यूज थे, तो ये आर्टिकल आपके होमवर्क के लिए हो गया, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इनके फैक्टर्स, देखो मैंने बता रही हूँ ना, बीच बीच में बार बार बता रही हूँ क्या नेगेटिव फैक्टर्स है। तो नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो इनको इतनी दिक्कत पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला तो आपका पहले के समय में, पुराने जमाने में आपके नेचुरल कैलमिटीज ज्यादा कॉज करती थी। अब हम लोग आ गए हैं तो हम लोग किसी नेचुरल कैलमिटी से कम नहीं है, अब ह्यूमन मेड होती हैं, मैन मेड प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो आपका क्या होता है कि एक कॉमर्शियलाइजेशन जब हम रिसोर्सेज का करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पे मिलना हम लोगों का ध्यान रहता है राइट। अब ऐसे केस में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या वो हो रहा है, क्या ये जो हम लोग आज प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या आगे चल के वो हमें नुकसान नहीं देगा। ऑफ कोर्स इट विल डू, बट मेनी पीपल, दोज हु डोंट नो अबाउट द एनवायरमेंट, दोज हु डोंट नो अबाउट द इकोलॉजी एंड दोज हु डोंट नो दैट हाउ टू बैलेंस ऑल दिस, सो दे डू लाइक आपको एक्सप्लॉयटेटिव वर्क करते हैं और एक्सप्लॉयट करते हैं चीजों को। ओके, अब यहां पे देखिए बताया गया है सारी चीजें कि हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमने क्या किया है कि हमने बहुत सारा जो एरिया है वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, हमारी वेटलैंड्स में हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग पैडी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हमने इतना ज्यादा एरिया यानी कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर को हमने क्या किया, हम लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फॉरेस्ट लैंड था एग्रीकल्चर लैंड में, तो अब हम लोग वहां पे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को तो आने नहीं देंगे। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो पर्टिकुलर कोई स्पीसी होती है जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए तो उसको हम लोग शेड्यूल 5 में डाल देते हैं। शेड्यूल 5 किसका है? एक ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके शेड्यूल 5 में डाल देते हैं, कहते हैं इसको हम लोग हंट कर सकते हैं, उसको हंटिंग होती है, फिर एक समय पे हंटिंग होती है, फिर धीरे 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 उनका इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एंडेंजर्ड में पहुंच जाते हैं, ऐसा देखा गया है।
तो चलिए इस तरह से हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले तो हमारा ये जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ कब शुरू हुआ, कॉलोनियल टाइम पे शुरू हुआ। कॉलोनियल में हम लोगों ने रेलवे हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री और माइनिंग, इन सब चीजों से हम लोगों ने भर भर के नुकसान पहुंचाया, ठीक है, अच्छे से नुकसान पहुंचाया। उसके बाद अब हम लोग जब आजाद हुए तो हम लोग बिल्कुल एक तरह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे थे, तो उसको देख करके हम लोगों ने जरूरत भी थी एक तरह से, तो वहां पे हम लोगों ने चीजों को एक्सप्लॉइट किया, चीजों को यूज किया। अब उसके बाद फिर धीरे 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 पॉलिटिकल चीजें इस तरह से बदली कि आपके पॉलिटिशियंस हो गए, अब उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। जैसे कि आपका अभी रिसेंट में आया है EIA 2020 ड्राफ्ट, हो सकता है अब जल्दी ही वो एक्ट में बदल जाए, तो उसके वो भी आप देख सकते हैं फॉर योर अवेयरनेस। ये देखिए ये कुछ चीजें होती हैं आपकी बुक के बाहर की होती है, बट वो आपके जो बुक का कॉन्सेप्ट है वो आपको इतने अच्छे से समझा देंगी कि आप चीजों को भूलेंगे नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ओके, और ये एग्रीकल्चर में एक और चीज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ये सारी चीजें आपके नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ये सारी चीजें बहुत होती हैं, देखा गया है। देखते ना कि सर्दियों के टाइम पे, विंटर के टाइम पे क्या होता है कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि झूम कल्टीवेशन, झूम झूम के आग लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती रहती हैं और आग लगा देते हैं अपना जितना भी जो उनके पास बचा हुआ होता है, जो आपकी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको आग लगा के स्लैश एंड बर्न का एग्रीकल्चर करते हैं और उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। ओके, अब हम लोग ये कहते हैं कि क्या हम लोग सिर्फ कॉलोनियल जो फॉरेस्ट पॉलिसीज है उनको ब्लेम किया जाए, तो हाँ उसमें थोड़ा बहुत ब्लेम कर भी सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीसीज को डिवोट कर दिया कि अब यहाँ पर यही क्रॉप ग्रो होगी, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, अब पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने ट्री प्लांटेशन कर दिया। इस तरह से उन्होंने कॉमर्शियल जो उनकी बेनिफिट के लिए उन्होंने ये सब काम किए, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं जो चीर पाइन का है और साउथ इंडिया में ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनको रीड करके इनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने की वैसे क्या जरूरत है, आप इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और कैसे आपको मैनेज करना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें जैसे कि बता रहे हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने बहुत ज्यादा मतलब अच्छा खासा डैमेज किया, जैसे 1951 के बाद में 5000 स्क्वायर किलोमीटर के जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिए गए। 5000 स्क्वायर किलोमीटर, कैन यू इमेजिन हाउ मच दिस इज, बहुत ज्यादा है। और इसमें रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं और इसमें आपके बहुत ज्यादा अभी भी आरी फॉरेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट, और अभी भी ऐसा ये सब चीजें हो रहा है। और ये 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इनंडेट, ये सब चीजें हो रही हैं आज भी, माइनिंग है और बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी वजह से हमारे जो हिमालयन यू है ये भी ट्रबल में आ गया है। अब फॉरेस्ट डिप्लीशन में आप एक चीज को और भी जोड़ सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो गया और आपका फ्यूल वुड कलेक्शन हो गया। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि फ्यूल वुड कलेक्शन के चक्कर में लोग पूरा पेड़ ही काट देते हैं। हाँ, ऐसे हम लोग एक दूसरा तरीका उससे भी कर सकते हैं कि उसकी जो टहनियां उसको काट काट के यूज करते रहें, पर ऐसा नहीं करते। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक बार में कलेक्ट कर लेंगे और उससे हमारा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर ये जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का वो कम्युनिटी के थ्रू भी हो रहा है, कम्युनिटी भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। और हाँ, ये जो आप टहनियाँ काट के छोटा छोटा यूज कर सकते हैं इसे लोपिंग कहते हैं। ओके, तो ये भी आप ये वर्ड याद रख सकते हैं। देखिए कुछ वोकैबुलरीज होती हैं, कुछ वोकैबुलरीज अगर आप अपने एग्जाम्स में यूज करते हैं तो एग्जाम में यूज करते हैं बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो आपका रिलेटेड है इस हिमालयन यू से। आपको इसके यूजेस बताने हैं, इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है, और इसको किस तरीके से हम लोग किस तरीके से जो कंपाउंड इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये आपको रीड करना है। और देखिए पार्टिसिपेशन करते रहिए, अगर मैं सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजों को मैं आपको नोटिफाई कराती रहूंगी तो फिर वो ना आप एक्टिव नहीं रह जाएंगे। ओके, आई एम एक्टिव सो यू नीड टू बी एक्टिव। ओके, आपको क्या करना है, आपको कॉमेंट बॉक्स में आपको ये रीड करना है, और ये रीड करने के बाद आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है, वो क्या करता है, वो क्यों जरूरी है, और हम लोगों के ये क्यों डिके हुआ है। ये तो आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, और ये सारी चीजें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हैं जो हमारे
हमारी जो फॉरेस्ट उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कंजर्वेशन, राइट। अब इतनी सारी चीजें हमें प्रॉब्लम्स का पता चल गया, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। हम सॉल्व कर सकते हैं कंजर्वेशन से, क्योंकि देखिए अब आपको ये एक और चीज, हाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन हो रहा है, इससे क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। पहला आपका कोरोना वायरस आया। कैसे आया? क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ का डिप्लीट कैसे भी हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि पोचिंग होती है, उनको कंज्यूम किया जाता है। अब उसको कंज्यूम किया जा रहा है तो उनमें जो डिजीजेस है, जूनोटिक डिजीजेस, ठीक है, वो सारी चीजें ह्यूमन में आ रही है, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड हो रही है। तो ये कैसे हुआ? ये हमारा जो एक एक इंट्रैक्शन है वो हद से ज्यादा जब बढ़ जाता है तो जो डिसबैलेंस होता है उससे हमारे ह्यूमन को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोलॉजी को, हमारी सोसाइटी को, हमारी गवर्नमेंट को, ओवरऑल हमारी कंट्री को, ओवरऑल हमारे वर्ल्ड को, हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचता है। अब इस वजह से हम अगर इन चीजों को थोड़ा लिमिट में रखेंगे तो हमारे हमें भी फायदा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन से हमारे पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना वायरस इस तरह इतने बड़े लेवल पे फैल गया। अब ये चीजें फैल गई तो अब हमें इन्हें कैसे रोक सकते हैं? हम लोगों को क्या करना है, हमें इनको एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया दे देना है। ओके, कैसे? हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ का कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए जरूरी है। हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हमारे जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ होती है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करती है, वो मेडिसिनल वर्क करती है। हमारे जो आपके वल्चर्स होते हैं वो स्केवेंजर्स का काम करते हैं। तो ये सारे उनकी हर एक माँ प्रकृति ने जो भी कार्य किए हैं उसमें उन्होंने हर एक व्यक्ति को, हर एक स्पीसीज को उसका खुद का वर्क दे दिया है। अब अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो उसका वर्क कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा। हम करेंगे तो हमें वो दिक्कत आ जाएगी जो कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज झेल सकती है। तो अब हमें कंजर्व करना है। कंजर्व कैसे करेंगे? कंजर्व कर सकते हैं कि हम लोगों ने पर्टिकुलर एक एरिया को कंजर्वेशन ग्राउंड में डाल दिया। आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, आपने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। अब गिर फॉरेस्ट की अगर बात करें, गिर फॉरेस्ट में आपके जो टाइगर थे उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ी? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। ऑफकोर्स उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से अपना अरेंज किया कि कम्युनिटी की वजह से आपका वो वहां पर हो गया। अब जैसे कि गवर्नमेंट भी करती है कुछ कुछ काम, जैसे कि आपके हो गया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया 1972 में, जिसके अंदर हम लोगों की एक अथॉरिटी है, वो हमारे किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है। हम लोग वहां पे प्रोटेक्टेड एरिया बना सकते हैं, वहां पे जो एक ह्यूमन का इंटरप्शन है उसको थोड़ा कम करें, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को उसमें एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए, तो हम उसको इस तरीके से मैनेज करें। जैसे कि आपका देखते हैं नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, वहां पे अलग अलग स्पीसीज को ब्रीड करने के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम किया जाता है। तो इन सारी चीजों से हम लोग चीजों को संभाल सकते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर बता रहे हैं, जो चीजें मैं बता रही हूं वही लिखी हुई है कि आप बैन कर दें हंटिंग को, उनको लीगल प्रोटेक्शन दें, राइट। और इस तरीके से हम लोग जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड है, जैसे कि आपके जो एनिमल के जो टस्क होते हैं उनका ट्रेड होता है, तो ये सारी चीजों को हमें प्रोहिबिट करना है। ऐसे प्रोहिबिट करने से हम लोग वर्क कर सकते हैं, जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत थ्रेटेंड है, जैसे कि ये है वन हॉर्न डायनोसोरस। अच्छा, ये वन हॉर्न डायनोसोरस कहाँ पे मिलता है, ये चीज आपको आपको जाननी है। ये कश्मीरी स्टैग हंगुल, इसके बारे में आप तो समझ ही सकते हैं, कश्मीरी स्टैग हंगुल ये तो आप जान ही जाएंगे, ठीक है। आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल में आपका ये घड़ियाल बहुत दिक्कत में है आजकल। ओके, अगर ये घड़ियाल इतना, ये शायद मेरे ख्याल से, हाँ ऑफकोर्स आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका भी स्टेटस निकालिए आप IUCN में, इसका स्टेटस निकालिए और ये उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। घड़ियाल के बारे में जानिए, एशियाटिक लायन, ये सारी चीजें आपको जाननी है। ओके, आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारी जितने भी स्पीसीज हैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में है, राइट। अब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा चलिए आपको मैं एक कुछ स्लाइड दिखा देती हूँ जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, सो ये आपके हैं, एक मिनट।
तो देखिए चैप्टर टू में मैंने क्या किया था, साइनॉप्सिस बना दिया, जिसे कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने सबसे पहले फ्लोरा एंड फौना पढ़ा, फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया पढ़ा, फिर उसके बाद टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि अभी हमको ये पढ़ना है, ओके ये अभी बाकी है। फिर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे अभी। फिर इसके बाद फ्लोरा एंड फौना हमने पढ़ा, कितनी सारी हमने IUCN के ने क्या क्या किया हुआ है वो पढ़ा। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये सारी चीजें याद रखी। ये देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट था, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी एक आपका आया था माइक, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये भी एक आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया। फिर सिक्योर हिमालयाज, प्रोजेक्ट हंगुल, ये सारे आपकी लॉन्च किए गए। उसके बाद अगर हम टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो हम रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ेंगे, अनक्लास। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर वो मतलब एक उनके पास काफी ये पोटेंशियल माना जाता है कि यहाँ पर खूब सारे आपके रिसोर्सेज हैं। फिर आपके प्लांट्स से रिलेटेड हो गए, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो गए, आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो आपकी सॉयल से रिलेटेड हो गए, तो ये सारी चीजें वो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। फिर आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो प्रोटेक्टेड होते हैं ऑफकोर्स नाम से आप समझ सकते हैं। फिर अनक्लास जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए छोड़ दिए जाते हैं खुले, वो आपके अनक्लास फॉरेस्ट हो गए। फिर आपका कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं? कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ये कि कम्युनिटी किस तरह से रोल निभाती है कहीं किसी भी जगह को कंजर्व करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गिर फॉरेस्ट वाला, राइट। कम्युनिटी रिजर्व हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को, पर उसके लिए एक आपका ये है जरूरी कि आपको कम्युनिटी का कंसेंट चाहिए। बिना कम्युनिटी कंसेंट के आप कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी एरिया को। तो कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जैसे कि चिप्को मूवमेंट था, चिप्को मूवमेंट ने सिर्फ और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोका था, अफॉरेस्टेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। फिर बीज बचाओ आंदोलन में क्या हुआ? बीज बचाओ आंदोलन में ये किया गया कि आपका जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप है उसको बढ़ावा दिया गया, कि आपका जैसे कि उस टाइम पे कहीं पे अगर ड्रॉट हो रही है तो वहां पे अलग अलग तरह की, एक ही एरिया में अलग अलग तरह की आपने क्रॉप्स को ग्रो किया। अब वो क्रॉप्स को अलग अलग तरह की ग्रो करेंगे तो अगर मान लीजिए एक क्रॉप आपकी खराब भी हो जाती है, कोई दिक्कत भी हो जाती है, तो ऐसे केस में आप की जो दूसरी क्रॉप है वो आपके काम आ सकती है। तो इस तरीके से ये बताया गया कि आप बिना ज्यादा मतलब आपकी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, आप बिना ज्यादा केमिकल्स को यूज किए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू इकोनॉमिक वे में अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन यानी कि क्रॉपिंग और कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटीज, इनका पार्टिसिपेशन लिया गया। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें देखी। चलिए अब हम देखते हैं, फिर से आते हैं अपनी बुक पे। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी बताई जा रही है, ओके। चलिए देखते हैं, देखिए वन हॉर्न राइनोसोरस है और ये डियर काजीरंगा नेशनल पार्क, देखिए लिखा भी हुआ है, ये वन हॉर्न राइनोसोरस है काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको मिलता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सारी चीजें बताई गई। प्रोजेक्ट टाइगर आपके कब हुआ और ये आपको ये सारा ये पढ़ना है, ओके, ये होमवर्क है आपका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, ओके। रिजर्व फॉरेस्ट में एक चीज आप और याद रखते हैं, यहाँ पर मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट जो होता है वो हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल हमारे जो माना जाता है इस जगह को एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज कंसर्न, ओके। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका ये 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है यहाँ पर, और ये बहुत प्रोटेक्टेड रहता है। अब फर्दर डिप्लीशन को नहीं करने दे सकते, ओके। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इफ वी सी, सो दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कैसा होता है? जैसे हम लोग वेस्ट लैंड मानते हैं या फिर आपको ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटी के यूज के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरिया बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलते हैं, कहाँ पे आपके रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, कहाँ पे आपके दोनों फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश जो है उसमें वहां पे लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट, जिस तरह की देखिए लिखा हुआ है, लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट आपके मिलते हैं। परमानेंट फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो कि रिजर्व और आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, ओके। यहाँ पर 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया आपको परमानेंट फॉरेस्ट मिलते हैं। अब जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल,
महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया में। जहाँ अगर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की देखने को मिलते हैं। तो ये सारे एरिया आप याद कर लीजिए, लोकेट कर लीजिए, उसमें कुछ साइन कर बना लीजिए कि आपको वो चीजें याद रहे। आप देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ओके, फिर आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है। लास्ट टॉपिक है आपका कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, जैसा कि मैंने आपको चिपको मूवमेंट के बारे में बताया। ओके, इसमें आप ये देख सकते हैं कि कितना आपका राजस्थान में कितना आपका फॉरेस्ट एरिया है जिसे हमने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है, इस तरीके से आप ये सारी चीजें, सेंचुरी आपका भद्रोदेव दातन सेंचुरी, ये सारी चीजें जो फैक्ट आपने ना एक फैक्ट शीट बनानी है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक फैक्ट शीट बनाइए। उस फैक्ट शीट में जो भी चीजें आपने उसका हेडिंग डाली उसका पेज नंबर लिख लिया, उसकी हेडिंग डाली उसका पेज नंबर लिख लिया। इस तरह से आप क्या करेंगे कि आपकी एक फैक्ट शीट तैयार हो जाएगी और आपको आसानी से वो फैक्ट्स रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और ये भी एक तरीका है सैक्रेड ग्रोव्स। सैक्रेड ग्रोव में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पे हमने ये सोच लिया, हमने ये बना लिया कि वहां पे कोई गॉड या गॉडेस है तो अब वहां पे कोई कट नहीं सकता। तो ये भी एक तरीका है हमारे फॉरेस्ट को ग्रो करने का, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी जैसा ज्यादातर करती हैं और इस तरह से होता है। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब इस चैप्टर को आपको होमवर्क है कि आपको रीडिंग करनी है और ये सारे क्वेश्चंस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे थर्ड चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।